भी कहे ये दिल पहल कर ले। फाइनली तुम्हारे कहने पे मैं इस ऑफिस में आई और तुम्हें लगता मैं इसे भूल जाऊंगी। मेरा वहाँ पे अकेले मन नहीं लगता। इतने सारे लोग हैं वहाँ पर। ऑफिस में ना अब आदत हो गई आपके साथ काम करने। आप लोगों के लिए शादी का एक बढ़िया तोहफा लाया हूँ मैं, और वो तोहफा है आप दोनों की बर्बादी। Oh my God. स्वीटी जी, तुम्हें किसी ने नहीं समझाया क्या? यही कि अगर अकल कम हो तो उसका डिस्प्ले नहीं करना चाहिए। मैंने तुम्हें क्या लाने को कहा था मिट्टी के दिए, और तुम ये क्या उठा लाई? तो इनमें क्या प्रॉब्लम है? वो अच्छाई क्या है भाई? MM, आपने जो मिट्टी के दिए लाने को कहा था ना, उनको जमीन पे सजाने के लिए झुकना पड़ता है, और शैगल्स की वो आदत नहीं है, तो इसीलिए भाई और मैं हर साल इसी तरह दिवाली मनाते हैं। कौन बार बार एक एक दिए में तेल डाले फिर बाती डाले? इतना फालतू टाइम किसके पास है? मैम लाइट्स लगाओ, एक स्विच ऑन करो, पूरा घर रोशन। आपको नहीं लगता कि ये कम अकल नहीं बल्कि इंटेलिजेंस की नुमाइश है? गीतिका, टेक्नोलॉजी कभी ट्रेडिशंस को रिप्लेस नहीं कर सकती। वो दियों में पाती बना के तेल डालना, कोने कोने में रखना, और उनके बुझने पे फिर उनमें फिर तेल डालना, ये मजा एक लाइट ऑन ऑफ करने में नहीं आ सकता। आई बात समझ में? मजा आपको लगता है ये सब करने में किसी को भी मजा आता है? अरे भाई सबको आता है मजा, एवरीबॉडी एंजॉयज। और इन चाइनीज आइटम का क्या भरोसा, जाने कब बंद पड़ जाए। उन दियों की रोशनी की तो बात ही और होती है। माय गॉड, दे लुक सो ब्यूटीफुल। MM प्लीज, अब ऐसा करो, ये सामान लेके जाओ और मुझे मिट्टी के दिए लाके दो। और देखो, गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति लाना मत भूलना, मैं पूजा में चाहिए होगी। ओके, और देखो अपनी अकल का इस्तेमाल मत करना, अगर कुछ समझ ना आए तो मुझे फोन कर लेना। अब जल्दी से जाओ लेके आओ, हमें सही मुहूर्त पे पूजा करनी है। भाई उठाओ ये सामान, अब मेरी शक्ल क्या देख रही हो? लीव। मिट्टी के दिए लाना मत भूलना। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, उठो ना। क्यों? इट इज दिवाली। हाँ तो छुट्टी का दिन है ना, सोने दो ना। छुट्टी का दिन नहीं है और मैंने ऑफिस में दिवाली पूजा ऑर्गेनाइज किया, तो प्लीज उठो। लेकिन पूर्वी, कल पूजा में तो पंडित करता है ना, मेरा क्या काम है वहाँ? प्लीज मुझे आराम करने दो ना। हमारा ऑफिस है, हमारी पूजा है, हमारा स्टाफ है, हम ऐसे नहीं कर सकते, इट इज सो रूड। उठो, तैयार हो। रियली? ठीक है ठीक है। वैसे तुम मेरी बीवी हो या हिटलर? एक बात बताओ, तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो, और तुम कब से इतनी ट्रेडिशनल हो गई? दिवाली वाले दिन तैयार होकर सुबह सुबह। जिसे मैं ट्रेडिशनल होती हूँ ना, तो फुल ऑन। मुझे फेस्टिवल्स बहुत पसंद है और दिवाली ना मेरी फेवरेट है। प्लीज डोंट टेल मी आपको दिवाली पसंद नहीं है। इतने सारे कलर्स होते हैं, रंगोली, दिए और शॉपिंग, एक्सेसरीज, सब कुछ नया। और इस साल ना और भी स्पेशल है, हमारी शादी के बाद हमारी पहली दिवाली है। कम ऑन, कुछ एक्साइटमेंट दिखाओ, उठो तैयार हो। ओके ओके, मैं तैयार हो गया हूँ। प्लीज। ठीक है, as you say, मैं तैयार हूँ। थैंक यू। थैंक यू।
सीमा, दिवाली पूजा की सारी जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दी है। आई होप तुमने कोई गड़बड़ ना की हो। जी जी मैम, मैंने सारी अरेंजमेंट्स कर ली है। अगर नहीं भी की हो तो किसे पता चलेगा हम कौन सा ऑफिस आ रहे हैं चेक करने। एक्चुअली सीमा, एक आइडिया है। एक काम करो, दिवाली पूजा को शुरुआत से अंत तक वीडियो टेप करो। मुझे पूरी पूजा का एक वीडियो देखना है, पता भी चल जाएगा कि तुमने तैयारी ठीक से की भी है कि नहीं, और ये भी दिख जाएगा कि कौन कौन पूजा में आया था। लेकिन मैम, त्योहार का दिन है, आना कंपल्सरी तो नहीं है ना? और सर ने कहा था जिसे आना है वो आ जाए। सर ने कहा था ना, अब मैं कह रही हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि कौन नेशन एक्सप्रेस को अपना समझता है और कौन उसे टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेता है। लेकिन मैम, सबके घर पे भी तो पूजा है ना? सीमा, मुझे कंपनी में वही लोग पसंद हैं जो परिवार से ज्यादा कंपनी को प्यार करते हैं। या यस मैम। गुड, सारी तैयारी ठीक से होनी चाहिए सीमा। कहीं कोई गड़बड़ हुई और मैंने पकड़ ली तो तुम जानती हो ना क्या होगा। यस यस मैम। गुड, चलो शाम तक की फुर्सत, वरना न्यूज चैनल में काम से आराम हो नामुमकिन। इतिका, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें ऑफिस की पूजा में जाना है। ऑफिस की पूजा के लिए? हम क्यों जाएंगे ऑफिस की पूजा में? हर साल तो हम नहीं जाते ना भाई। हाँ गीतिका, लेकिन इस साल से हम भी जाएंगे। थैंक्स टू पूर्वी, जिसने मुझे ये बात समझाई कि हमारा जाना भी उतना ही जरूरी है जितना कि स्टाफ। और हाँ, इसके पहले कि तुम और सवाल पूछो प्लीज, वक्त कम है, गेट रेडी फास्ट। क्यों भूल जाती हूँ मैं बार बार कि अब तो पूर्वी नेशन एक्सप्रेस की एमडी है ना, और शैकिल हाउस की गृह लक्ष्मी। सारे फैसले तो पूर्वी जी लेंगी ना। To you. Oh, मैंने मना किया था ना झुकने के लिए। But आज दिवाली है ना, इतना बड़ा त्योहार है, आज अलाउड, come on। और देखो, मैं बैठी हुई हूँ, तुम्हें झुकी नहीं ना? अब आशीर्वाद। खुश रहो और ऐसी खुशियां फैलाती रहो। मामू नहीं दिख रहे, कहाँ है? उसका तो नाम भी मत लेना मेरे सामने, I'm so upset with him। पता है मैंने उसे एक शॉपिंग की लिस्ट दी थी, लाना तो दूर, उसने तो लिस्ट ही घुमा दी, हद हो गई। फिर मैंने सोचा चलो उससे रंगोली बनाने में मदद ले लूंगी, पर पता नहीं मुझे कुछ काम है ये कह के कहीं चला गया, और अब उसका फोन भी नहीं लग रहा है, मुझे ये अकेले बनानी पड़ेगी। आपको रंगोली बनानी आती है? हाँ, बहुत अच्छी। लंदन में तो मुझे हमेशा प्राइज मिलता था रंगोली कॉम्पिटिशन में। तो ठीक है, इस बार आप अकेले रंगोली नहीं बनाओगे, मैं भी हेल्प करूंगी। आप बस मुझे बता देना क्या डिजाइन चाहिए। नेक्स्ट ईयर। क्यों आसी, नेक्स्ट ईयर क्यों? अरे भाई, नेक्स्ट ईयर क्योंकि इस साल तो तुम जमीन पे इतनी देर बैठ नहीं पाओगी, बहुत देर बैठना पड़ता है फिर। नो, नेक्स्ट ईयर, प्रॉमिस। ठीक है, ओके। गुड मॉर्निंग, चलो पूर्वी, लेट्स गो। और मासी, प्लीज मेक श्योर कि गीतिका पूजा के लिए ऑफिस में जरूर आए। बिल्कुल, त्योहार के दिन घर से नेगेटिविटी जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। जरूर भेज दूंगी, डोंट वरी। थैंक यू मासी, लेट्स गो। मम्मी जी, आपने रंगोली देखी? रंगोली नहीं, मैं बाद में देख लूंगी, तुम जाओ। सुनो,
वैभव से बात हुई क्या तुम्हारी? नहीं, वो एक्चुअली उनका फोन तो काफी दिन से स्विच ऑफ आ रहा है। अच्छा, आप आज अचानक यूं वैभव के बारे में पूछ रही हैं? नहीं कुछ नहीं, जाओ तुम। हाँ, सारा सामान जल्दी से भेजवा देना प्लीज। सीमा, सारी तैयारी हो गई? हाँ, लगभग हो चुकी है। लेकिन यार, त्योहार के दिन भी ऑफिस आओ, ये क्या बात हुई? अपनी मर्जी से आओ तो अलग बात है। गीतिका मैम और सर तो कभी आते ही नहीं, लेकिन हमें आना पड़ता है। सीमा। हेलो सर। हेलो मैम। हाय, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली ऑल। बाकी के लोग कहाँ हैं? अंदर तैयारी कर रहे हैं। सॉरी, आप लोगों को फेस्टिवल के दिन यहाँ बुलाया है। सम लंच एंड गिफ्ट्स, बट हाँ, पूजा के बाद है। अभी तुमने गिफ्ट्स और लंच भी ऑर्गेनाइज कर लिया? हाँ, पूरे साले लोग इतना हार्ड वर्क करते हैं तो इतना तो बनता ही है ना। क्यों, आपको ये आइडिया अच्छा नहीं लगा? नो, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट मैं तो ये सोच रहा था कि हमने इससे पहले क्यों नहीं शुरू किया। इट्स अमेजिंग सर। एक्चुअली ये अच्छी बात है, इट मेक्स टीम स्पिरिट बेटर। एंड वैसे भी अगर ये इवेंट्स हर साल होते रहे तो काम करने में और भी मजा आता है। यस सर, एब्सोल्युटली। पूर्वी मैम के आने से बहुत डिफरेंस आया है। अब दिवाली पे ऑफिस आना पनिशमेंट नहीं लगता। पहले पूजा करें? यस श्योर, कम गाइस, लेट्स गो। फोन गिर जाता तो, टूट जाता तो, मुझे कुछ हो जाता तो? अचानक इस तरह आकर टोकना अच्छी बात है क्या? वो I'm sorry, मैं तो normally... तुम्हारी जनरेशन के लिए ना ये सब कुछ नॉर्मल होता है। फोन नहीं उठाना, स्विच ऑफ करके रख देना, ये सब कुछ फैशन है आजकल। मजाक बना के रखती है। मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे फोन मत करना। मम्मी जी को अचानक क्या हो गया? हेलो, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली निधि। अच्छा सुनो, मम्मी जी घर पे नहीं है। पर मैं फिर भी तुम्हारे घर नहीं आ सकता क्योंकि मैं ऑफिस में हूँ। क्या अंशु, दिवाली है और हम मिलेंगे भी नहीं, प्लीज ट्राई करो ना। ओके, मैं ट्राई करता हूँ। पूर्वी, तुम्हारे लिए गिफ्ट है। मेरे लिए? किसने भेजा? दो ही लोग हो सकते हैं, एक तो, दूसरे आप। किसने भेजा होगा मुझे? आर्या का, और किसका? जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। मासी, क्या हुआ? श्रेष्ठ, एक ही तो प्रॉब्लम है इस घर में। गीतिका। Who else? You know, मासी, मैं भी उससे काफी अपसेट हूं। पहले तो ऑफिस में नहीं आई पूजा के लिए, और फिर यहाँ पे घर पे आपको परेशान कर रखा है। सच में मेरा ही दिमाग खराब था जो मैंने उसे यहाँ रोक लिया। लेकिन क्यों मासी? अरे, रंगोली बनाने के लिए। वो राज तो भाग गया स्टूपिड, मैंने सोचा इसी की मदद ले लूं, लेकिन काम तो और बढ़ गया घटने के बजाय। हद हो गई। और आपको भी समझ में आ गया कि मुझे परेशान करने का नतीजा क्या होता है, राइट? बहुत
बहुत अच्छे से समझ आ गया कितनी खतरनाक हो तुम। वो हो ना तुम कम अकल, यू मीन डम। एक्सक्यूज मी? यस, बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। वो तुम्हारे चाहने वाले हैं ना, चेले चपाटे तुम्हारे। वो तुम्हारी ईगो फीड करने के लिए, तुम्हें चढ़ाने के लिए तुम्हारी तारीफें करते रहते हैं, वो बात अलग है। लेकिन इट्स अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन, बहुत डेंजरस है तुम्हारे लिए भी और सबके लिए भी। मैं तो बहुत डर रही हूँ तुमसे। मासी, अभी हम इस वक्त ये बातें क्यों कर रहे हैं? दिवाली है, त्योहार है, लेट्स सेलिब्रेट। कितना कुछ है ना, डेकोरेशन, दिए, रंगोली, वो सब करते हैं। वैसे मॉम के जाने के बाद ये मेरी पहली दिवाली है। आइडली मुझे सेलिब्रेट नहीं करनी चाहिए, पर न्यू लाइफ है ना, आप सब हो, श्रेष्ठ है, हमारा बच्चा है, तो सेलिब्रेट करते हैं। और मॉम कहती थी कि सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहिए, जो भी करो बहुत मजे से करो। यस यू मस्ट, यही तो है राइट एंड करेक्ट पॉजिटिव एटीट्यूड। देखा, जी पूर्वी मैम के लिए पार्सल है। दीजिए। थैंक यू। पूर्वी के लिए? पूर्वी, तुम्हारे लिए गिफ्ट है। मेरे लिए? देखो ना, कोई नेम टैग भी नहीं है। क्या हुआ पूर्वी, किसने भेजा? दो ही लोग हो सकते हैं। एक तो, दूसरे आप। मासी, श्रेष्ठ, मुझे एक मिनट देना। किसने भेजा होगा मुझे? Don't know. Come on, भाई, आर्या का और किसका? अभी पूर्वी ने खुद कहा ना कि दो ही लोग हो सकते हैं, तुम या आर्या। The two men in her life. अब देखो, तुम तो यहां हो, तो कौन बचा? आर्य है ना भाई? क्या भाई, इतना बड़ा न्यूज चैनल चलाते हैं हम, पर अपने घर में क्या हो रहा है यही खबर नहीं रहती तुम्हें? यूज योर ब्रेन्स भाई, आफ्टर ऑल तुम थोड़ी ना डम हो मेरी तरह, है ना? मैं आप मुझसे मिलने आ सकती हैं? आज दिवाली नहीं होती तो जरूर आ जाती। अगर आप आती तो मुझे लगता कि मुझे अपना बर्थडे गिफ्ट मिल गया। जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। थैंक यू आज का दिन याद रखने के लिए। कैसे भूल सकती हूँ इस दिन को, इतने सालों से आज ही के दिन तुम्हें याद करती रही।
तुम्हारे बारे में सोचती रही। पहली बार तुम्हें आज के दिन शुभकामनाएं देने का मौका मिला मुझे। आज मॉम को बहुत मिस कर रही हूँ। मैं उनकी जगह तो नहीं ले सकती, पर हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू। क्या आप मुझसे मिलने आ सकती हैं? आज दिवाली नहीं होती तो जरूर आ जाती। अगर आप आती तो मुझे लगता कि मुझे अपना बर्थडे गिफ्ट मिल गया। ऐसे ही थोड़ा सा काम। श्रेष्ठ तुम कुछ परेशान लग रहे हो, बैठो बैठो। गीतिका की बातों को लेकर टेंशन में हो? अरे डोंट वरी, वो तो है ही ऐसी। नहीं मासी, अब तो गीतिका की बातों का बुरा भी नहीं लगता। तो फिर मुंह क्यों लटकाया हुआ है? हाँ बोलो, क्या बात है? पता नहीं मासी, देखो ना, कहने को तो हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, सोलमेट से हम, और आज उसकी जिंदगी का इतना इम्पोर्टेंट दिन है और मुझे मुझे पता तक नहीं चला। अब कुछ खुल के बताओगे भी या ऐसी गोलमोल बातें करते रहोगे? मासी आज तिथि के हिसाब से पूर्वी का जन्मदिन है, दिवाली के दिन पैदा हुई थी वो। तभी शायद वो मिस कर रही थी। सुबह सुबह आई थी मुझसे मिलने, आशीर्वाद लेने, पर मुझे कुछ नहीं बताया उसने। अपनी मॉम को भी काफी मिस कर रही थी वो। ये तो अच्छा हो कि मैंने उससे बात करते हुए सुन लिया अंबिका जी से, वरना मासी मुझे पता ही नहीं चलता कि आज उसका जन्मदिन है। वो उसकी माँ है, दोनों इतने सालों बाद एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं, तो बात तो करेगी ना उसको। नो बट तो परेशान क्यों हो रहे हो? कौन सा पूरा दिन बीत गया? उसका बर्थडे ओवर थोड़ी हुआ है, अभी भी अपने पास इतना सारा समय है। कुछ करो और ऐसा करो जो उसे जिंदगी भर याद रहे। हाँ मासी, लेकिन क्या करूं? अब ये भी मैं बताऊं क्या? सोलमेट तुम्हारी है, पूछ मुझसे रहे हो, कमाल कर रहे हो। अब सही कह रही, हमारे पास अभी भी 8 घंटे। प्लीज मासी, प्लीज कुछ प्लान करते ना। देखा, अभी तक तो ऐसे मुंह लटकाए बैठे थे और अब 1 मिनट में फुली चार्ज हो गए। यू आर रियली फनी श्रेष्ठ। सर सर प्लीज जल्दी से ऊपर चलिए सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है सर, प्लीज संभाल के। क्या कर रही हो? I'm fine. आराम से। ज्यादा दिन तक नहीं संभाल पाओगे मिस्टर शेरगिल।